नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम जून्स बालानाइटिस के बारे में चर्चा करेंगे। ये जून्स बालानाइटिस क्या होता है और इसका सिम्टम्स क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। बालानाइटिस का ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है। कैनिडियल बालानाइटिस बहुत कॉमन है जिसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें सिर्फ जून्स बालानाइटिस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। बालानाइटिस यानी इन्फेक्शन ऑफ द ग्लांस पेनिस, यानी आपका जो ग्लांस पेनिस होता है यानी लिंग होता है उसका इन्फेक्शन को बालानाइटिस बोलते हैं। अगर आपका लिंग के साथ साथ उसका फोरस्किन यानी उसके ऊपरी वाला चमड़ा भी इन्फेक्शन होता है तो उसको बालानोप्रोस्टेटिस बोलते हैं। तो ये जो जून्स बालानाइटिस है ये कोई इन्फेक्शन नहीं है। इसमें क्या होता है, आप जैसे फोटो में देख रहे हैं, कभी कभार क्या होता है मिडिल एज इंसान यानी जब 40-50 साल उम्र हो जाता है उसके बाद कुछ लोगों के लिंग में ऐसे लाल कलर का स्पॉट देखने को मिलता है। ये बहुत ही डरावना लगता है, डेंजरस देखने को लगता है, लेकिन इतना कोई ये डेंजरस वाला चीज है ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं ये क्यों होता है, एग्जैक्टली ये जून्स बालानाइटिस क्यों होता है किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस है यानी अनुमान लगाया जाता है। जो लोग पेशाब करने के बाद अपने लिंग को ठीक से साफ नहीं करते हैं, अच्छे से उसको फोरस्किन यानी चमड़ा ऊपर वाला चमड़ा को ठीक से पीछे लेके पेशाब नहीं करते हैं, तो उस टाइम में कुछ यूरिन यानी कुछ पेशाब वहां पे लग के जमा हो जाता है और यूरिन में यानी पेशाब में जो यूरिया है वो अमोनिया को कन्वर्ट हो जाता है और अमोनिया के वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन होता है। और एक कारण है कि सोप पार्टिकल के वजह से होता है, यानी जो लोग बार बार साबुन यूज करते हैं और धोना ठीक से भूल जाते हैं तो वहां पे साबुन कुछ लग के जो रह जाता है वहां से भी ये इन्फ्लामेशन इरिटेशन हो सकता है और ये कंडीशन हो सकता है। और एक होता है जिन लोगों का अनसर्कमस्क्राइब्ड पेनिस यानी जो लोग का लिंग का ऊपर वाला चमड़ा रहता है, जो लोग नहीं काटते हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है क्योंकि वो बार बार इसको साफ करना भूल जाते हैं और ये पेशाब के बाद जो पेशाब जम जाता है, कभी कभी स्मेग्मा यानी वहाँ पे जो सिक्रेशन होता है, जो ऑयल सिक्रेशन होता है वो भी जम जाता है, इसके वजह से वहाँ पे भी ये इरिटेशन होके ये कंडीशन हो सकता है। ये तो नॉन इन्फेक्शियस है यानी इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं रहता है और ये जो बीमारी है एक से दूसरे को नहीं जाता है, यानी किसी अगर मेल पार्टनर को ये बीमारी है तो ये उसका फीमेल पार्टनर को ट्रांसफर नहीं होता है। ये कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है यानी पापा मम्मी से बच्चों को नहीं होता है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है और ये कोई एसटीडी नहीं है, तो इसीलिए ज्यादा कुछ घबराने वाला बात नहीं है। और ये सिमिलर कंडीशन यानी ऐसे ही एकदम कंडीशन फीमेल में देखा जा सकता है जिसको बोलते हैं जून्स वल्वाइटिस। तो चलिए जानते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, यानी इस बीमारी में पेशेंट को क्या तकलीफ होता है और क्या सिम्टम्स होता है, क्या लक्षण होता है। नॉर्मली इसमें पेशेंट को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होता है, ना ज्यादा पेन होता है, ना ज्यादा खुजली होता है, ना डिसूरिया यानी पेशाब करने में कोई तकलीफ नहीं होता है, लेकिन देखने में बहुत खराब लगता है और डरावना लगता है। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं एकदम ऐसे रेड देखने को लगता है और वो एकदम शाइनी लगता है यानी चमकता रहता है और ये आपके लिंग के साथ साथ आपके उसके ऊपर चमड़ा है जो फोरस्किन है उसके अंदरूनी भाग में भी ये लालपन देखने को मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस क्लिनिकल है यानी जो डॉक्टर है आपका स्किन का डॉक्टर है वो देखने के बाद इसको डायग्नोसिस कर लेते हैं। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है वो भी इसको डायग्नोसिस कर देख के पता कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार डाउट होता है तब तो उसके केसेस में बायोप्सी करने को भी जरूरत हो सकता है। तो और क्या क्या कंडीशन है जो देखने को एक जैसा लगता है। फर्स्ट होता है फिक्स्ड ड्रग इरप्शन यानी दवाई के साइड इफेक्ट के बाद भी ऐसा कंडीशन देखने को मिल सकता है, इसका हमने वीडियो बनाया आप देख सकते हैं। सेकंड होता है कैंडिडियल बालानाइटिस जिसका ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं। थर्ड है आपका कोई एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और एक होता है कैंसर का पहला वाला स्टेज जिसको बोलते हैं इरिथ्राप्लासिया ऑफ क्यूरेट, ये भी हो सकता है और कभी कभार पेनाइल कैंसर जब शुरू होता है तब भी ये ऐसा देखने को हो सकता है। और एक है वायरल इन्फेक्शन यानी हर्पिस इन्फेक्शन के बाद भी ऐसा कंडीशन देखने को मिल सकता है, यानी आपके ये जून्स बालानाइटिस के साथ आपका कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर आपको डाउट है इस केसेस में तो आप बिल्कुल अपने जो स्किन के डॉक्टर है उसके पास जाके एक बार कंसल्ट करिए, नहीं तो आपका यूरोलॉजिस्ट को एक बार दिखा लीजिए। तो चलिए जानते हैं लास्ट में इसका ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट क्या होता है, फर्स्ट होता है आपका बिहेवियरल चेंज यानी आपका जो वॉशिंग हैबिट्स है इसको चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप पेशाब करने जाते हैं अगर पानी अवेलेबल है तो उसको अच्छे से धोइए। जब पेशाब करते हैं आपका फोरस्किन यानी जो ऊपर वाला चमड़ा को पीछे से खींच के अच्छे से पेशाब करिए ताकि आपका वहां पे कोई यूरिन यानी कोई पेशाब लगे ना रहा है।
साबुन ज़्यादा मत लगाइए जब भी नहाते हैं, नॉर्मल पानी से उसको धोइए, और नहाने के बाद आप उसको अगर किसी का जून्स मालिनिटी से तो उसको अच्छे से सुखाइए, ड्राई करिए, फैन के सामने खड़े रहिए, उसके बाद आप उसको रिट्रैक्ट करिए, दोबारा आपका स्किन को नॉर्मल पोजिशन में लेके आइए। अगर ये इस बिहेवियरल चेंजेस से ये आपका ठीक नहीं होता है, आपका जो डॉक्टर है आपको कुछ क्रीम लगाने के लिए देते हैं जिसमें आपका स्टीरॉयड रहता है, स्टीरॉयड क्रीम से ये ठीक हो जाता है। अगर कोई मिक्स्ड इन्फेक्शन है, यानी अगर डॉक्टर को लगता है कि यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है और फंगल इन्फेक्शन भी कुछ मिला हुआ है, तो उस केसेस में स्टीरॉयड के साथ एंटी बैक्टीरियल क्रीम या एंटी फंगल क्रीम भी आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। खाने के लिए भी कभी कभार डॉक्सीसाइक्लिन आपको डॉक्टर दे सकते हैं, और लगाने के लिए स्टीरॉयड के साथ साथ आपका टैक्रोलिमस जो ऑइंटमेंट आता है वो भी यूज होता है। अगर ये सबसे ठीक नहीं होता है तो लास्ट में होता है सर्कमसीजन, यानी जो खातना बोलते हैं, आपका जो फोरस्किन होता है उसको काट दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका ये जल्दी ठीक हो जाता है। अगर इसके साथ साथ और कुछ बीमारी है जिससे आपका स्किन टाइट हो रहा है, आप उसको ठीक से क्लीन नहीं कर पा रहे, जैसे कि कैंडिडियल बालानाइटिस हुआ, जैसे कि लाइकन स्क्लेरोसिस बीमारी हुआ, लाइकन प्लानस हुआ, तो इस सब बीमारी का भी ट्रीटमेंट एक साथ करना जरूरी है, और इसका इलाज आपका जो स्किन का डॉक्टर है आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं प्रोग्नोसिस के बारे में, यानी बीमारी क्या एक बार में ठीक हो जाता है, कितना दिन में ठीक होता है बीमारी। एक्चुअली ये बीमारी रिकरेंट होता है, यानी बार बार होने का बहुत चांसेस रहता है। अगर आप अपना बिहेवियर ठीक से चेंज करते हैं, वॉशिंग हैबिट चेंज करते हैं, तो ये जल्दी ठीक हो जाता है। तो लास्ट में आपको बताएंगे कि जून्स बालानाइटिस कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इमीडिएटली आपके स्किन के डॉक्टर पास जाइए और इसका इलाज स्टार्ट कर दीजिए। तो ये था डिटेल्स में जून्स बालानाइटिस के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे कमेंट करिए, इसका वीडियो हम आपको बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते जय।